तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। ये एक गधों की रेस है जिसमें सुअर दौड़ते हैं, और इस रेस का संचालक है बिग बॉस सलमान भाई। बिग बॉस सलमान भाई, बिग बॉस सलमान भाई। हमेशा की तरह नादान परिंदों को पकड़ लिया गया है और उन्हें बोल दिया लो बैच। तो अगर होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता होगा रियल तो मुझे नहीं लगता है। रियल है तो विशाल को जाना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर सलमान फट के बोले तो एक साथ 40 लोग बोल रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, तुम साले अकेले हो। हमारा पहले प्रतियोगी है ये आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा। मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा। टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा। मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा। तेरे लिए मैंने मेरा घर दार छोड़ा। अभी मैंने लास्ट के तो देख रहे हैं, बट ये इनका नाम है अबू मलिक। अबू मलिक, अबू मलिक। गेस करो ये किसके भाई हैं? अनु मलिक। अपने भाई की तरह इनका भी पैशन है संगीत। ओके। की गाना। फिजिक्स फाइन, सा 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 सॉलिड बॉडी डिजाइन। है तू नंबर वन लड़का, चेहरे पे कैसी शाइन। फीफी 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 मतलब फिजिक। कतई किस्मत का खा रहे बहच, क्योंकि इन दोनों भाइयों को संगीत बहुत ज्यादा पसंद है। अब आपको क्या लगता है ये कब तक के रहेंगे घर में? ये तो कुछ कह नहीं सकता, मगर आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं लास्ट बार निकलूंगा। आई ये कॉन्फिडेंस, कुछ घंटा नहीं उखाड़ा इसने बिग बॉस में, दो हफ्ते में बाहर हो लिया। बहाने तो सुनो भाई साहब के। ठीक है यार, लेकिन शो उम्र देख के तो चुनो। अच्छा साहब भी तो कर रहे हैं ना करोड़पति। ऐसा कल को तो तुम स्प्लिट सुना में चले जाओ, हमें क्वीन बनना, हमें क्वीन बनना। कौन बना? अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर दो पे, माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। माहिरा द स्पेशल चाइल्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे मुड़के ना देखे। और वैसे भी पैसा तो हाथ की धूल होती है ना, मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए काम करती हूँ। एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है। और लोमड़ी सी थूत की, ये मेरे कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़के नहीं देखा। ये एटीट्यूड ना 2004 में मर गया था, तुम क्यों जिंदा हो? वाओ। और इसका पैशन पता क्या है? I don't even know, it was a thing. Pouting. वो कौन सी चीज है जो आपको बिग बॉस के घर की ओर खींच लाई है? फेम तो मिल जाता है। हैं? फेम तो मिल जाता है। बेटे कौन है तू? टिकटॉक में 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। अच्छा हाँ, फेम तो मिल ही जाता है, कोई कदर ही नहीं है ना। फिर ये कहते कि हमने स्ट्रगल किया, करण जौहर लौड़ा लसन। पैसे तो बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बता भी किसे रही है? सलमान भाई को। बेटी वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्तें खरीद लेगा, दिल से भी और वैसे भी। तू फोन पे टिकटॉक बना रही होगी, भाई चुपके से आएंगे और अरे बाबा भाई सलाम अलैकुम। सुना है कि आपने गुस्से में कुछ चीजें तोड़ी फोड़ी भी हैं। हाँ, आप भी जानते हैं कि जब गुस्सा आता तो उस पर काबू तो रहता नहीं है। कभी नहीं, कभी मेरे गुस्से पे तो फुल काबू है। भाई मेरा योड़ा ले गए। इसको बोलते हैं हार के चीतरा, हार के चीतरा बोलते हैं इसको। ये इंसान नहीं, इंसेन है। ऐसे हो रही है जैसे कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया। अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 3 पे, बी बॉय पारस, क्योंकि इस देश का हर पारस बी बॉय करता है। What? नहीं देखो यार, इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात है। ऐसे तो किसी के सर से छत नहीं खींच सकते।
गंजा 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 ये तो है बातें सुनने में एक पप्पी से 800 कैलोरीज बर्न होती है। ओ चाचा चौधरी के चौथे चौदे एक झापड़ में कितनी कैलोरीज बर्न होती है? कम से कम 8000। खा के देख ले, क्या पता तेरे बाल भी आ जाए। ओके ठीक है, ये लास्ट था बस। वैसे इस साल ना गजब हो गया, सात परिंदे एक दूसरे के प्यार में, बी बॉय पारस की जी एफ बनी है माहिरा द स्पेशल चाइल्ड, लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। तो लड़ो बहन चुप, मेरे से पहली बार होगा। तेरा पहली बार मुझे लेना देना नहीं है, मैं भी कैमरे पे हूँ और भी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तेरा लूंगा, मैं तेरा लूंगा। क्या कहना चाहते हो बे? मेरे मुंह मत लग, तूने बात बोल दी ना शो के बाद, क्या तू मुझसे बात नहीं करेगी? मैं तेरे से अभी से बात नहीं कर रहा, जा। ओहो, रिश्ते में दरार, अच्छी लंड मेरा। जब दूसरों से नहीं लड़ रहे होते तो एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर पारस भाई साहब एक जादू की झप्पी देते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। तू करता वही है जो तुझे करना होता है। ठीक है ओके, मैं दो मिनट किसी के साथ। अब जब बी बॉय पारस अपनी जी एफ से नहीं लड़ रहे होते, वह एक और परिंदे से लड़ते हैं। I'm pretty sure it's Karen. Michael from WWE. घर से कपड़े ही नहीं लेके आया, जब देखो नंगा पुंगा घूमता रहे। दोपहर 3:15 बजे लेकिन लल्ला तुम लड़कियों से ज्यादा 50 साल के बूढ़े एक्साइट कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो टिकटॉक? तुम्हारा भी यही सीन है। अब पता नहीं स्कूल ढूंढ के कौन से तारे टकरा रहे हैं। उसने अपने इंस्टाग्राम पे क्या डाला? अनहोनी को हानी करते होनी। देखता है कल्लू कुमार की उना कोटी में ये क्या डेवलपमेंट है? ऐसा तो जॉनी सिंस मेरी वीडियोस देखता होगा। 65 साल का होकर लॉन्डियों को बेबी डॉल पर नचवा रहा है, और यहाँ देखो पूरी पूरी दाढ़ी आ गई है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। मजा आ गया रे, मेरे को एक एक चीज समझ में आ रहा था। खैर अब चलते हैं बी बॉय पारस और स्कूल डूट की लड़ाई पे। ये 4 दिन मैंने तेरे को दूध के नंबर दिए हैं, तू डोंट गिव मी दिस शिट। तूने मुझे नहीं दिया था, कितना बुरा है ये बॉस। सूरज निकला नहीं, रात में चांद आया नहीं, कुथाई करवा लो। जो लोग बिग बॉस देखते हैं तुम्हें पता है तुम लोग क्या करते हो? ये परिंदे लड़ते हैं और फिर उस लड़ाई को डिस्कस करते हैं, और फिर तुम उनकी लड़ाई और डिस्कशन दोनों को देखते हो, और फिर उसे दोबारा डिस्कस करते हो। मैं ना एक बाल्टी का आयोजन कर रहा हूँ, सब एक एक करके डूबेंगे। और जो परिंदे बिग बॉस के पहले सीजन में रह चुके, पता नहीं वो अपने विचार क्यों देते रहते हैं। तुम्हारा हो लिया ना, रुक जाओ यार। अब नहीं, आप ये सब डर उसको मत दीजिए, और पराग मेरे भाई भोजपुरी पिक्चर कोई साइन कर ले। क्या कर रहा था तू यार, चिल मैन। श्री एजाज खान ये बात अपने अतीत को कह रहे हैं। यहाँ से लौड़ा फेंक के मारू ना। क्या कर रहा था तू यार, चिल मैन। अब जब बी बॉय पारस नाम का जानवर शांत होता है, तब हमारे कूल डूट एक और परिंदे से लड़ते हैं। ये है सिद्धार्थ शुक्ला उर्फ शुक्ला जी। ये व्यक्ति पहले के एपिसोड्स में मुझे लगा कि एक साधारण गंजेड़ी है। कैसा भी होगा, खाना बन जाता। लेकिन भाई ने फिर जो तबाही मचाई है। पहली बार देख रहा हूँ एक सांड कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है। शुक्ला जी आप गलत शो पे आ गए हो, रोडीज का सेट एक गली छोड़ के है। देखना छोटा सा गेट होगा, उस पे दो बड़े बड़े टट्टे बने होंगे, वहां चले जाओ। ऐसे भैरंड इंसान को किसने खुला छोड़ रखा है? खैर एक इंसान है जिसकी तरफ शुक्ला जी थोड़ा नरम है, ये है कुड़ी पंजाब, पंजाब दी कुड़ी। जर्नी कुछ ऐसी रही है। ये है शुक्ला जी की जी एफ,
मतलब है भी नहीं भी है, एज अ फ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है मेरा तेरे साथ, एज अ बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है, पता नहीं कुछ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम्हें बीमारी है वो भी छुआ छूत की। कडलिंग चल रही है और फिर रात को चादर के नीचे हाथ पकड़ना, लेकिन घर किसका? बिग बॉस का, तो लड़ो। उसी रात को बड़े पलटू हैं ये लोग। अब चलते हैं द बिगेस्ट एंड द बॉगेस्ट फाइट पर, शुक्ला जी वर्सेस कूल डूड। पहले ये दोनों ही शांत बैठते थे, लेकिन जब घर किसका बिग बॉस तो कैसे सरकार की लड़ाई भी चाहते थे सिद्धार्थ और आसिफ, हाथा पाई की नौबत नहीं आई। मेरा माता नहीं क्या? जो माता है पापे नहीं क्या? जो माता है पापे नहीं क्या? माता। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि तू किसको सपोर्ट कर रहा है बिग बॉस में? देखो तुम्हारा सवाल गलत है, तुम्हारा सवाल होना चाहिए कैरी क्या तुझे इससे फर्क पड़ता है? नहीं क्योंकि इन्हें लगता है वोटिंग इस चीज की हो रही है कि सबसे बढ़िया कौन है, लेकिन असल में वोटिंग इस चीज के लिए हो रही है कि सबसे चूतिया कौन है, क्योंकि बिग बॉस में तुम्हें सबसे ज्यादा फुटेज खाने के लिए चूतिया हरकतें ही करनी पड़ेंगी। अबे मैं तो कहता हूँ डरो, बिग बॉस जीतने से डरो। तो यार बस